بسم الله الرحمن الرحيم. आजमाइश को सजा होते रहते। बीमारी क्या है? एक आजमाइश नहीं तो सजा, अल्लाह की तरफ से आजमाइश। आजमाइश उसे है जो अल्लाह के करीब होते जाता, नमाज पढ़ता, अल्लाह से डरता, अल्लाह से मानता। अगर उन्हें अल्लाह से डर रहा नहीं, नमाज नहीं मान रहा बोले तो पक्का ये है कि उसे सजा छुपी है। समझ रहे आप? बीमारी वही है। एक चीज को मैं लेना तो क्यों टेस्ट करती ना, कोई नारियल लेना तो फोड़ के लेती, बेड़ी लेना तो तोड़ के लेती, क्यों बोलो? उस चीज़ को मैं पसंद करती। और तभी कपड़े लेना तो पूरे कपड़े छोड़ दे, शॉपिंग के बाद 10 घंटे भी काफ़ी नहीं आते, ठीक है? कि बोलो, एक चीज़ को पसंद करनी हमें लेने के लिए। इसी तरह अल्लाह अपने बंदे को जन्नत के लिए पसंद करते तकलीफ दे के, आजमाइश दे के देखिए, बंदा मुझे मांगता या किसी और से मांगता, बंदा मेरे करीब है या दूर है। अल्लाह करीब लाने के लिए एक तकलीफ दे के आपको आजमाते, ये आजमाइश में हमें पास होना है। समझ लिया आप? तो कल में तो समझ गए, ये बेहद जरूरी है। अब सेहतमंद होने के लिए 3 चीज़ें बेहद जरूरी है। क्या है वो 3 चीज़ें? पहले दिमाग को ठंडा रखो, दूसरा जिस्म को गर्म रखो, तीसरा पेट को नरम रखो। दिमाग को ठंडा कैसे रखते हो? सुकून से सोते रात में नहीं। मुंबई का हाल बड़ा खराब है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु पूरी रात जागती और सारा दिन सोते, और रात जाती जब किसने मोबाइल में आशीष है गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और वीकेंड टीवी में बिजी। क्या है वो किला कौन वो भी कौन है? बोलो फटाफट बोलो, करने का मतलब बोलो बोलो जान लेते हो। इतना हमें दुनिया के करीब हो जा रही है और अल्लाह से दूर हो जा रही है, इसीलिए तकलीफा करना शुरू को नहीं जा रही। रात में जल्दी सो जाओ, हमारे कुछ हार्मोन रात में काम करते हैं, रात में सोना बेहद जरूरी है। ज़्यादा मोबाइल या टीवी में उसे दिमाग गर्म हो जाता, सुकून से नींद नहीं आती, तब भी जाको गुस्सा, टेंशन, डर, अनाई, तकबर, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती। अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ गए तो बीमारी आपको छोड़ के नहीं जाती, आप तकलीफ में हमेशा रह जाते। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, जिसम को गर्म रखना, जिसम को गर्म काम करते, बॉडी को एक्शन मिलाते नहीं। आज अपना बटन दबाए तो खाना, बटन दबाए तो पानी, बटन दबाए तो फैन, बटन दबाए तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होना, कपड़े धुल को सुखवाना ना, सेमी ऑटोमेटिक नहीं होता, सुखाना पड़ता ना। हाँ, और हमने गेयर नहीं सो कार होना, तो डाम हाथ खाली धोने के काम आता, गेयर डाल नहीं सकते, बटना ना ऑटोमेटिक होना अपना। ऑटोमेटिक इतना जारी बोले तो हमें ना शुक्रपन करती अल्लाह को, बोलती इतना बड़ा बंगला दे दो इससे मुझे घर भी नहीं करते, लेकिन उतने बड़े बंगले में उन्हें टांग उठाकर परेज के साथ सो रहे थे, ये नहीं मानती, सुकून से सोता हूँ। 5 करोड़ की कार में 4 बार पाइल्स का ऑपरेशन करा ले को जाता हूँ, लेकिन हमें ना शुक्र अदा करते। सेहत है नहीं, ये बहुत बड़ी दौलत अल्लाह के तरफ से, इसे बचा कर रख लेना हमारा फर्ज है। समझ रहे आप? तो ये सेहत की कदर करो, बॉडी को गर्म रखो, बटना दबाना कम करो, आप तक यहाँ तक कारो इंशाल्लाह की दुआ की वजह से बदल गया। तो बॉडी को गर्म, तीसरा पेट को नरम, पेट को नरम कैसा रखती है? समझ में आ रहा है कि दूसरे माइक में बोलता है और चीखा मार रहा है, सुनने आ रहा ना? हाँ, तो पेट को नरम कैसा रखती? खान पान हमारा, हमारा खान पान बेहद जरूरी है। क्या करो? नमक को बदलो घर में, शुगर है तो मीठे से परहेज करो, थायराइड है तो नमक से परहेज करो, दर्द नहीं तो खट्टे से परहेज करो, पानी बॉइल करके फिर ठंडा करके पियो, गोश्त कम खाओ, तरकारी ज़्यादा खाओ, नहीं हमने पाचन को थोड़े वाला ना, हमारे टुकड़े कम, हमें बात जो है कि गोश्त बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें, जैसे 10 पड़े मंजिल 4 पड़े। अरे भाई नसीब में तुम्हारे 4 लिखो ही अल्लाह, और 4 शुक्र अदा करो, नहीं हमने खाने नहीं हो तो भी निकल जाते, हमें 2 बार चाहते ही निकल जाते, पेट के ऊपर वजन पड़ जाता, खाने की बारीक चबा के खाना वगैरह, पेट के ऊपर वजन कम पड़ा तो खाने के लिए तो 2 मिनट में खा लेते, लेकिन हमने घटा होना जिस तरीके से खाते उसी तरीके से आसानी से निकल जाना हो मोशन के जरिए। अगर मोशन सही नहीं हो रहा बीमारियां की शुरुआत, मोशन सही से होना, गैसेस होने रखो, जो टाइम पे खाना खा लो, भूख का इंतजार रखो करो, समझ
अब मेरा टाइम हो गया आपका, ये टाइम पे तक खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। खाना टाइम पे खाओ, बारीक चबा के खाओ, बार बार पानी पियो, खाने के दरमियान नहीं, खाने से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद अच्छा पानी पीना, पानी का इंतजार नहीं करना। इंशाल्लाह जिंदगी भर सेहतमंद रहते, किसी के मोहताज नहीं होंगे आप जिंदगी भर इंशाल्लाह। सिर्फ अल्लाह के इतना मोहताज होना हमें, सिवाय अल्लाह के हमें किसी के सामने नहीं जाना बोले। ये जो टिप्स बोले हमें सेहतमंद रहने के, इंशाल्लाह इसे करेक्ट से फॉलो कर लो। और इंशाल्लाह अगले महीने से मैं आपको कुछ रेमेडी की बुक लिखी हूँ, इसने सारे रेमेडीज आपके रेमेडीज ना कौन से भी चैनल में नहीं मिलते, कौन से बुक में भी नहीं मिलते। इंशाल्लाह ये मेरे खुद के घर के 5 साल पुराने रेमेडीज हैं, और मैंने ऐसा इलाज कर लिया देवला करते तो भी इंशाल्लाह मैं आपको घर बैठे आप कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। अगले महीना इंशाल्लाह कोई अच्छी आपको कहीं पे प्लेस है तो इंशाल्लाह जो है बोल सकते हैं। इंशाल्लाह अगले महीने से मैं ऐसी अच्छी प्लेस पे विजिट करूँगा, जिससे जो है इंशाल्लाह माइक सिस्टम करके मकसद है सिखाना। ज़रूरी नहीं डॉक्टर से इलाज करना बन रहा, अगर आपके हाथ से अल्लाह शिफा दी तो किसी की मदद करो आप बन रहा, मदद करो। ये जो रेमेडीज बनेगा इससे बड़े बड़े बीमारियों का खुद भी घर पर बैठे इलाज कर ले सकते हैं, समझ रही हो? घर पर बैठे इलाज कर ले सकते, ज़रूरी नहीं है किसी से जाके हाथ पैर पकड़ना। इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, हर महीना आके 1 घंटा PPT प्रेजेंटेशन रख के इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे रेमेडीज बता दो, ऐसे ऐसे रास के बातें बता दो, जितना मैं फेसबुक में बता रहा ना वो खाली रागी के दाने के बता, अभी मैं नहीं बताया, तो जहाँ पे विजिट कर दो वहाँ तक बता दो। और एक शर्त यह है कि वीडियो अपने हद तक भी करो, अपलोड नहीं करते ना खुद, बिकॉज क्यों है मेरे तो आज नींद की बस ज़्यादा होती काट काट कर खा लेना। मंगारा आपकी नियत के हिसाब से अल्लाह आपकी मदद करते आपके काम में, और इसी तरह अल्लाह ताला आपके काम में शिफा भी अता करते इंशाल्लाह सीखने के मकसद से। और कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं हो रहा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपको क्योर करने के लिए, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।